नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 0222300 1634, 0222300 1635। इन दोनों नंबर पर आप सवाल पूछकर जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में क्या मौके हैं। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे चांदी की, क्योंकि चांदी की कीमतों में भारी उठापटक है। जोरदार उठापटक के साथ मार्केट में ट्रेड हो रहा है। इंट्राडे में भाव 67,400 रुपए तक लुढ़क गया था। अब उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी मार्केट करीब 1800 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। और गोल्ड में भी प्रॉफिट बुकिंग है। इन दोनों खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं तरुण सत्संगी, tarunsatsangi.com के। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, और साथ ही औरोबिंदा गयान हैं हेड कमोडिटी स्ट्रेटजी टाटा म्यूचुअल फंड के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चूंकि हम पहले चांदी की बात कर रहे हैं, तो भाविक पटेल, आप ये बताएं कि क्या आज शाम के कारोबार में भी मार्केट इसी उठापटक के दौर से गुजरेगा, या शाम के कारोबार में बाजार में कुछ स्थिरता आएगी, क्या लगता है आपको? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, आज FOMC की मिनट्स भी पब्लिश होने वाली है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी होगी, पर कल जितनी जो हमने आधे घंटे में 6,000 की आई थिंक मूवमेंट देखी, वो मुझे नहीं लग रहा कि आएगी। आई थिंक आज ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी भी ट्रेंड है नीचे ही रख रहा है। सिल्वर शायद 66,300 के करीब हम देख सकते हैं, पर जिस हिसाब से अभी कल की वॉलेटिलिटी देखी और आज का भी अभी मॉर्निंग ट्रेंड देखा, तो लग रहा है कि थोड़ी बहुत अभी भी दबाव आ सकता है। तो चांदी में आज आई थिंक मेरे रिकमेंडेशन सेल ऑन राइज ही होगा, और अगर हो सके तो ऑप्शन में ज्यादा ट्रेड करें फ्यूचर में, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी में आई थिंक ट्रेडर्स को भी डिफिकल्ट रहेगा स्टॉप लॉस रखने के लिए। अच्छा, ठीक है, आपका व्यू तरुण जी आज शाम के कारोबार के लिए चांदी पर। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, मुझे भी वीकनेस नजर आती है जिस तरीके से प्राइसेस रिएक्ट कर रहे हैं अभी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फर्दर डाउनसाइड है, जो कि इवन सेक्टर में देखी जा सकती है। इवन कपल ऑफ डेज का भी मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर में 64,000 तक के लेवल आ सकते हैं। सिल्वर सेलिंग साइड में ही रहना चाहिए जब तक कि 71,000 के ऊपर प्राइसेस डिसाइसिवली चलना चालू नहीं है। आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपको कनेक्ट करें ताकि आपकी आवाज़ साफ आए। लेकिन भाविक, आज शाम के लिए अगर कोई ट्रेड लेना चाह रहा हो चांदी में, तो ट्रेड लेना चाहिए या जब तक FOMC यानी फेड के मिनट्स नहीं आ जाते हैं तब तक ट्रेड से दूर रहें, क्या सुझाव होगा आपका? देखिए, फेड के मिनट्स तो पब्लिश होंगे, अब हमारा मार्केट इनफैक्ट क्लोज होने को आएगा तब, पर उससे पहले एटलीस्ट लास्ट एक घंटे में हमें थोड़ी मूवमेंट देखने को जरूर मिलेगी। आज के दिन भी अगर ट्रेड लेना चाहे तो आई थिंक 68,300 या 68,400 के करीब आती है, तो वहां से एक बार सेल ले सकते हैं 69,000 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 66,500 का। ठीक है, तो ये इंट्राडे के लिए आपकी राय चांदी के ऊपर है कि चांदी में आपको करना क्या है। 3% से ज्यादा की गिरावट इस वक्त चांदी में दिख रही है। 2100 रुपए से ज्यादा चांदी के दाम इस वक्त टूट चुके हैं, तेज गिरावट चांदी में दिख रही है। तरुण जी, पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से चांदी का प्राइस अभी आपको कैसा दिख रहा है? आई थिंक जैसा कि मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि पोजिशनली अभी मार्केट में वेट करना चाहिए। हमने काफी मैसिव रैली देखा है इस साल एंड प्राइसेस कहीं ना कहीं ओवर प्राइस्ड है। हल्का सा भी प्राइस नेगेटिव न्यूज आ रहा है तो हमने देखा है कि बहुत ही मैसिव सेल ऑफ में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि लास्ट वीक हुआ था। अगर फर्दर कोई नेगेटिव ट्रिगर आएगा तो सर्टेनली प्रॉफिट बुकिंग हैवियर देखने को मिलेगा। इस वजह से मैं सलाह दूंगा कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वेट करना चाहिए इस काउंटर में। लेकिन हाँ, मैं अगर शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ तो मुझे डाउनसाइड पोटेंशियल लगता है जब तक कि प्राइस 71,000 के ऊपर नहीं चलेंगे एंड ग्रेजुअली 64 से 60,000 के बीच में प्राइस वंस अगेन आना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो ये पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से आपकी राय है।
ये बात हो गई चांदी की, लेकिन अब हम बात करेंगे गोल्ड की, और गोल्ड की कीमतों में भी प्रॉफिट बुकिंग है, गिरावट है, और एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव इस वक्त 400 रुपए से ज्यादा की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, 53,165 ये गोल्ड का ताजा भाव है। अब मैं हमारे साथ एक और खास मेहमान है, अरविंदा गयान है टाटा म्यूचुअल फंड के। मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा अरविंदा जी कि क्या लगता है आपको, फंडामेंटल के मोर्चे पर कुछ बदलाव आया है क्या कि गोल्ड का मार्केट एक तरफा रैली नहीं दिखा पा रहा है, थोड़ी सी तेजी आती है फिर बड़ी गिरावट आ जाती है, तो एक्चुअली क्या है अभी फंडामेंटल में कुछ बदलाव है या लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल इंटैक्ट हैं, तेजी ही है लंबे समय में, क्या लगता है? जी हाँ मृत्युंजय जी, मेरे ख्याल से कुछ पॉइंट्स को हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी पहला चीज तो है, पिछले 10 दिन का ट्रेंड को अगर देखेंगे तो मार्केट का वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गया है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इंडियन मार्केट का वॉलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट की वॉलेटिलिटी से ज्यादा है अभी पिछले 10 दिन में। वो किस वजह से है मैं बता नहीं सकूंगा, लेकिन इंडियन मार्केट का वॉलेटिलिटी जो है थोड़ा ज्यादा है। हमने प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, गोल्ड या सिल्वर जो है, मैंने डेटा देख रहा था आपके शो के लिए कि जो हाई मारा वहां से गोल्ड सिल्वर जो है करीबन 20-25% करेक्शन हो गया सिल्वर, और गोल्ड जो है 15% करेक्शन हो गया, और अगले ही 3 दिन में वो उस तरह का रिकवरी भी हो गया है। तो फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से एक चीज हुआ कि एक्सचेंज लेवल ने हर एक्सचेंज ग्लोबली हो या डोमेस्टिक हो मार्जिन कॉल बढ़ा दिए हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने का एक तरीका है कि मार्जिन बढ़ा दो डेरिवेटिव्स में, तो वो एक वल्नरेबिलिटी आ गया, और उसके चलते हुए काफी ट्रेडर्स आइदर एग्जिट हो गए या प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, वो एक चीज हुआ और ना वेरी माइक्रो पर्सपेक्टिव से। ब्रॉडर टर्म्स में अगर जैसे हमने बात करेंगे फेड का मिनट आना या ट्रेजरी बिल्स के जो यील्ड काफी लोज पे थे वहां से रिकवरी हो गया, अभी हम बात करें स्टिमुलस पैकेजेस के और एक्सटेंशन होने का बात चल रहा है, तो एक जो रैली हमने देखा बुलियन में एज ए सेफ हेवन कमोडिटी के हिसाब से, एक एक्सेसिव रैली करीबन 30-35% का तेजी हो गया था ईयर टिल डेट में, और वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ, और हमने ETF इनफ्लोज भी देखे जो जिस हिसाब से वो पीक में थे वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है। तो ब्रॉडर टर्म्स में अगर मैं बात करूं, जैसे अभी तरुण बता रहे हैं या हमारे जो फेलो कलीग हैं साथ में वो भी बता रहे हैं कि शॉर्ट टर्म सिनेरियो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वोलेटिलिटी जरूर रहेगा, लेकिन अगर मैं लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से देखूं तो न्यू हाईज जो हमने अभी रिसेंटली देखा या फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से अगर देखें कि आगे तेजी होना चाहिए, ये सारे फैक्टर्स अभी भी सपोर्टिव है। मान लीजिए यूएस चाइना का कंसर्न अभी भी खत्म नहीं हुआ है, यूएस में अभी 2 महीना में इलेक्शन है, वो एक फैक्टर हो सकता है जो हर कोई चाहेगा कि गोल्ड एक सेफ हेवन कमोडिटी है उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। यील्ड स्ट्रक्चर में भी काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है तो वो एक सपोर्टिव हो सकता है। तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखिए तो अभी भी फंडामेंटली गोल्ड से तेजी लग ही रहा है, लेकिन जिस हिसाब से अभी मार्केट में वोलेटिलिटी है, एक्सचेंज के एक्शंस लिया जा रहा है मार्जिन कॉल के वजह से या प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, वो उससे थोड़ा सा हमको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी से मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थोड़े से परेशानी हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास स्ट्रेंथ है उसमें लॉन्ग टर्म का फोकस है तो मेरे ख्याल से ट्रेड में लॉन्ग साइड में बनाए रहना बेटर रहेगा, लेकिन प्राइस रेंज जो अभी बताया जा रहा है मेरे ख्याल से उस प्राइस रेंज को भी बड़ा ध्यान देके ट्रेड करना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड अभी भी बुलिश है, यानी लंबे समय में गोल्ड में अभी भी तेजी की संभावना बनी हुई है, आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल बहुत मजबूत है। लेकिन एक सवाल है और जो हमारे दर्शकों के जहन में भी है और कई लोग ये जानना चाहते हैं कि अब देखिए ये और ये बात हकीकत भी है और इसके ऊपर सवाल होने भी चाहिए। अब पिछले दिनों जब रूस ने वैक्सीन का ऐलान किया तो रूस के वैक्सीन के ऐलान के बाद गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में बड़ी गिरावट आ गई, और ये हाल तब है जबकि रूस के वैक्सीन पर दुनिया भर में सवाल खड़े हुए हैं, और जब सवाल खड़े होने के बाद भी जब ट्रस्ट नहीं है उस वैक्सीन के ऊपर तब इतना बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो आने वाले दिनों में जब वैक्सीन पुख्ता तौर पर आ जाएंगे अलग अलग देशों में और जिसके ऊपर भरोसा भी होगा दुनिया का, तब क्या किसी बड़ी करेक्शन की संभावना नहीं होगी अरविंद जी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका क्या जवाब है आपका? ये रशिया वाली पॉइंट के ऊपर मैं भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जिस दिन रशिया का वो न्यूज आया डेफिनेटली मार्केट में डाइजेस्ट होते होते वो 2 दिन लग गया और मार्केट में काफी करेक्शन हो गया गोल्ड सिल्वर प्राइसेस जो है स्पेशली, और हमने वो भी देखा। लेकिन बाद में जितने भी न्यूज कॉन्ट्राडिक्टरी न्यूज आए कि वो वैक्सीन
थर्ड लेवल का टेस्टिंग हुआ नहीं था या जो भी कमेंट्स दिया गया, मेरे ख्याल से सबसे अगर देखेंगे जो भी बॉटम मान लीजिए बोर्ड में 50,000 का लो देखा हमने, 50,000 का नीचे भी लो देखा हमने, उसको छोड़ दें आप अरविंद जी, वो तो मैंने एक रेफरेंस के लिए बोला अरविंद जी उसके डीप में हम नहीं जाते हैं कि किस स्टेज पे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसमें हम नहीं जाते। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि 6 महीने में वैक्सीन आने की बात हो रही है, जब वैक्सीन आएगी पुख्ता तौर पर तब क्या गोल्ड की कीमतों में बड़ी गिरावट आएगी, पहला सवाल, और दूसरा जब बड़ी गिरावट आएगी तो क्या ये लंबे समय तक रहेगी? मेरे ख्याल से क्या कहेंगे, जो वैक्सीन एक अकेला फैक्टर नहीं होगा जो गोल्ड सिल्वर को तेजी करके लेके गया है या वो लेके जाएगा आगे, मेरे ख्याल से बाकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो खराब हो गए हैं ग्लोबल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, या इतना बड़ा स्टिमुलस पैकेजेस जो अक्रॉस सेंट्रल बैंक दे रहे हैं, उसके चलते हुए एक सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि अदर एसेट क्लासेस जो अभी क्विकली वी शेप रिबाउंड हुए हैं हो सकता है वो आगे जाकर के स्टेबलाइज हो जाए, और ये भी हो सकता है कि आगे जाकर के अदर एसेट क्लासेस में थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा और गोल्ड सिल्वर में लोगों में मन में एक डर रहेगा, तो इसलिए एक सेफ हेवन जैसा एक ऐसा एक एसेट में हम इन्वेस्ट करें जहां पे हमको आइदर इन्फ्लेशन हो जाएगा, इकोनॉमी ग्रो होगा तो हमको अच्छा रहेगा, या इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रहा है तो मेरा अरविंद जी एक मिनट जवाब साफ साफ चाहिए सर, इतना घुमा फिरा के आप बताएंगे दर्शक कंफ्यूज कर जाएंगे। वैक्सीन, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि वैक्सीन आएगी, सुन लीजिए सर एक बार फिर से, वैक्सीन आएगी क्या गोल्ड की कीमतों में उसके बाद बड़ी गिरावट आएगी और लंबी गिरावट आएगी, इसका जवाब हाँ ना में क्या है आपके पास? मेरे हिसाब से वैक्सीन से गोल्ड का तेजी मंदी का कनेक्शन करना सही नहीं होगा, हमको वो चीज जरूर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वो एक ऑब्वियसली एक मेजर फैक्टर है आज के डेट पे बात करने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हमको ध्यान जरूर देना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि वैक्सीन की वजह से, वैक्सीन नहीं है या कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ गोल्ड ऊपर गया है, बहुत सारे और फैक्टर्स की वजह से भी गोल्ड ऊपर गया है, तो मेरे ख्याल से अगर वैक्सीन आता है तो हो सकता है गोल्ड करेक्शन आए, लेकिन वो स्टेबलाइज हो सकता है, लेकिन तेजी अभी भी बरकरार है जैसा लग रहा है। हाँ, ये यही सर, यही जवाब चाहिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मतलब कुल मिलाकर बात साफ है, अरविंद जी थोड़ा घूम फिर के बता रहे हैं लेकिन क्लियरली वो ये कहना चाह रहे हैं कि वैक्सीन अगर आएगी भी तो सिर्फ वैक्सीन एक वजह नहीं है जिससे गोल्ड की कीमतों में कोई बड़ी गिरावट आ जाएगी, वैक्सीन के अलावा जो बाकी के फंडामेंटल हैं वो गोल्ड में तेजी के हैं, लिहाजा वैक्सीन आती है तो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आएगा लेकिन उसके बाद गोल्ड में फिर से तेजी आएगी। और अरविंद जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो गोल्ड में तेजी आई है उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर कोरोना जरूर है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और से फैक्टर हैं जिसने गोल्ड की कीमतों को मजबूती दी है, तो वो सारे फैक्टर अपनी जगह बने रहेंगे, वैक्सीन आएगी एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा लेकिन उसके बाद गोल्ड के दाम बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अरविंदा गयान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नाम थोड़ा कठिन है आपका, बीच में अरविंद निकल जाता है आपका पुराना नाम, उसके लिए माफी चाहूंगा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर अपना नजरिया बताने के लिए, अपनी राय देने के लिए। लेकिन अब सवाल यह है भाविक पटेल जी, ये तो लंबे समय की बात हो गई, जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन आज गोल्ड का मार्केट करीब करीब 400 रुपए नीचे है और आपने कहा कि फेड के मिनट्स भी आने हैं, तो उससे पहले गोल्ड में कोई ट्रेड बन रहा है क्या? जी जरूर, मैं आई थिंक थोड़ा सेफ कहना चाहूंगा कि 50,000 का 52,000 का जो पुट है गोल्ड का 23 सितंबर, जो भी फिलहाल चल रहा है 612-620 के करीब, तो आई थिंक वो इंट्राडे मैं पुट ऑप्शन बाय करने का रिकमेंड करूंगा यहीं से, और टारगेट रखिएगा 780 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 500 का। अच्छा ठीक है, अगला सवाल है राधा गुप्ता का, हमारे साथ जुड़ रही हैं, पूछिए राधा जी। सर एक्चुअली मैंने गोल्ड बाय कर लिया है 53,500 में। हेलो। अच्छा 53,500 में आपकी बाइंग है गोल्ड में, ओके। हाँ। ठीक है तो सर मैं अभी उसको रखूं? तो तरुण जी 53,200 के नीचे आ गया है भाव, ठीक है आपका सवाल मैम समझ गया, बताइए तरुण जी क्या सुझाव इनके लिए आपका, 53,200 के नीचे आ गया है भाव? आई थिंक अभी देखा जाए आज और कल के लिए, मेरे को गोल्ड में वीकनेस लगता है, बाइंग से निकल के ये शॉर्ट बना लें तो मेरे को लगता है कि इनका जो भी लॉस है वो कवर हो जाएगा, एंड पॉसिबिलिटी है कि ग्रेजुअली आज या कल में गोल्ड के प्राइस 1752,000 तक आए, तो वहां पर ये अगर सेलिंग से निकल जाएंगे तो एक इनको अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है,
अगला सवाल है जयेश का, पूछिए जयेश जी। आपको आवाज आ रही है? हाँ बोलिए जी। जी बोलिए सर, क्या सवाल है आपका? चांदी में क्या किया जाए आज? आज के लिए चांदी में क्या किया जाए बताइए भाविक जी। बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर चांदी में आज शाम के कारोबार के लिए क्या किया जाए? जी चांदी में मैं सिल्वर मिनी का कॉल देना चाहूंगा, क्योंकि सिल्वर जो बड़ी है तो वॉलेटिलिटी देख के तो वो 1000-2000 पॉइंट ऐसे ही घूम जाती है। आई थिंक सिल्वर मिनी जो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है वो 68,350 से 68,450 के करीब आता है, तो वहां पे बेच सकते हैं 69,000 के स्टॉप लॉस है, और टारगेट रख सकते हैं 67,000 का। ठीक है, ये राय आपकी चांदी पर है। अगला सवाल है नितिन अग्रवाल का, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए नितिन जी। बरेली से सर, मैंने महिंद्रा की 5 लॉट बाय करके 9% जी जी पूछिए नितिन जी। हाँ जी हाँ जी मैंने अच्छा मेंथा में आपने 5 लॉट बाइंग की है 955 रुपए में। ओके भाविक जी, मेंथा में क्या व्यू है आपका? देखिये मेंथा में यूजुअली हम अगर देखें तो जब भी विंटर आती है तब थोड़ा बहुत डिमांड भी आ जाती है और उसके लिए पॉजिटिव रिएक्ट भी देता है। आई थिंक 1020 तक मुझे अपसाइड दिख रहा है, अगर 1020 के ऊपर जाएगा तो 1048, पर देखे जाए तो रैली 905 से 1020 की आ चुकी है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि वापस से थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन आ सकता है, तो एक बार वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिर वापस जब 970 के करीब आता है तो 950 के स्टॉप लॉस एक बार और नई पोजिशन बना सकते हैं, पर अभी जिस हिसाब से रैली हो चुकी है तो आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नहीं लेकिन 955 पर इनकी बाइंग है तो किस भाव पर प्रॉफिट बुक करें? जी देखिए 1003 के करीब ही क्लोज हुआ है, तो आई थिंक 1000 के करीब अगर आता है कल के मॉर्निंग प्राइस में तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिर एक बार 900 से 970 के करीब आता है तो वहां से नई पोजीशन लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है अरुण कुमार का, पूछिए अरुण जी। हाँ जी सर नमस्कार सर, कॉपर पे रह चाहिए, सेल करके रखा है 525 पे। 525 पे आपने कॉपर में बिकवाली की है, तरुण जी क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? कॉपर में अभी सेल में बने रहना ठीक है क्या? 526 रुपए के आसपास का भाव है, क्या करना चाहिए? आई थिंक काफी रिस्की इन्होंने पोजीशन लिया हुआ है, दो काफी अट्रैक्टिव प्राइसेस हमने देखा है कि इस साल के लो से प्राइसेस करीबन 50% का रिटर्न दे चुके हैं, बट स्टिल अभी भी कोई सिग्नल नहीं है जो इंडिकेट कर रहे हो कि करेक्शन मार्केट में आ सकता है। ड्यू है प्रॉफिट टेकिंग, लेकिन कब आएगा अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं सलाह दूंगा कि इनका जो शॉर्ट पोजिशन है उससे निकल जाए, क्योंकि कॉपर में वीकनेस तभी ट्रिगर होगा जब प्राइस 520 के नीचे जाएंगे, और जब तक 520 के ऊपर है हाई पॉसिबिलिटी है 540-550 हायर साइड में देखने को मिले, इनका लॉस बढ़ेगा। बेटर है एक बार करंट मार्केट प्राइस पर एग्जिट करें, डिप से बाय करने की कोशिश करें इसको। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर, कल मैंने सर कॉपर के बारे में पूछा था, तब बोला 18 पे क्लोजिंग होगी तो 28 जाएगा, अब तो 28 से ऊपर गया, अब तो उम्मीद की जा सकती है 550 की। आपका सवाल ठीक तरीके से सुन नहीं पाया, दोहराएंगे दोबारा, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? चलिए कॉपर के बारे में आप भी जानना चाह रहे हैं भाभी। हाँ ठीक है, तो क्या 450 के ऊपर 550 के ऊपर जाने का है क्या भाविक जी कॉपर का? आई थिंक डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि एक अच्छी रैली हमने देखी हुई है, और वैसे भी अगर फंडामेंटली देखें तो इतने प्राइसेस जस्टिफाई नहीं है। आई थिंक ये ओवरऑल जो लिक्विडिटी इक्विटी मार्केट में ही ऐसे ही कॉमोडिटी मार्केट में भी आई है, और उसी की वजह से रैली देख रही है, क्योंकि फंडामेंटल कुछ स्टोरी नहीं है। पर जिस हिसाब से अभी मोमेंटम है, आई थिंक लग रहा है कि लेस 540 तक टच होना चाहिए, उसके बाद जो थोड़ा बहुत करेक्शन ओवरड्यू है वो आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल है करण का, पूछिए करण जी। हेलो हेलो जी जी पूछें। अगला सवाल है
जी सुन रहा हूँ, पूछिए सर। मेरे को सिल्वर सेल करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ करंट भाव से? बताइए भाविक जी, अगर चांदी में सेल करना हो, इच्छा हो रही है इनकी बेचने की, तो क्या इस भाव पर बेचा जाए या अभी बेचना ठीक नहीं होगा? जी अभी बेचना मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। अगर चांदी की अभी देखे तो लो से करीबन करीबन 300-400 रुपए ही अप है, तो आई थिंक ये बहुत नीचे के लोअर लेवल पे चांदी बेचने की सोच रहे हैं। तो आई थिंक मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं कंफर्टेबल रहूँगा 68,300 से 68,500 के बीच में, जो आज के दिन की एटलीस्ट एक 50% के बीच की रेंज आएगी, तो वहाँ पे वो शॉर्ट कर सकते हैं 69,000 का सिक्स स्टॉप लॉस लेके, टारगेट रख सकते हैं 66,500 का। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जिंक अगस्त मंथ है, वो मैं लॉन्ग करने की रिकमेंड करूंगा 195 पे, टारगेट रहेगा 198.50 का और स्टॉप लॉस 193.50 का। आपकी कॉल तरुण जी। मेरा कॉल भी बेस मेटल में कॉपर रहेगा, बाइंग साइड में 525-526 पे बाय पर है, 520 का स्टॉप लॉस, 540 टारगेट। आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। जी क्रूड सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है, वो मैं बेचने की रिकमेंड करूंगा 3225 पे, टारगेट रहेगा 3130 का और स्टॉप लॉस रहेगा 3260 का।